हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महान दार्शनिक, महान आचार्य एवं महान राजनेता चाणक्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल भारत एक रहस्य को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जो आज भी उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति के रूप में जीवित है। आचार्य चाणक्य का उल्लेख वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, बुद्ध ग्रंथ, महावंश एवं जैन पुराण में मिलता है। उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय शासन तंत्र की स्थापना की, जिसे आज पूरी दुनिया मानती है। और 2300 साल पहले, जब कुछ भी नहीं था, कोई शासन तंत्र नहीं था, उन्होंने आज के केंद्रीय शासन आदर्श की स्थापना कर दी। और उन्होंने अपने अर्थशास्त्र एवं चाणक्य की नीति में बताया कि कैसे कोई भी शासन चलाना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का जन्म 371 ईसा पूर्व एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ था। उनका नाम उनके पिता के नाम चनक से ही चाणक्य पड़ा और गोत्र कौटिल से कौटिल्य पड़ा था। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि उनकी माता चानेश्वरी ने उनका नाम विष्णुगुप्त रखा था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य प्रचलित है। वो यह है कि जब उनका जन्म हुआ, तब उनके मुंह में एक दांत था, जिसको देखकर एक मुनि ने भविष्यवाणी करी थी कि ये बालक एक बहुत ही बड़ा पराक्रमी राजा बनेगा। ये भविष्यवाणी सुनकर चाणक्य के माता पिता बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने उस मुनि से अपनी इच्छा व्यक्त करी कि वह चाहते हैं कि उनका पुत्र एक आचार्य बने। मुनि उनकी ये बात सुनकर बोले कि अगर आप चाणक्य का दांत निकाल दें तो ये राजा ना बनकर एक राजा का निर्माता बनेगा और वह राजा सदियों तक अपने पराक्रम के लिए जाना जाएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से 13 वर्ष की आयु में मिले और इतनी कम उम्र में ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शासन करने और समाज कल्याण करने योग्य बना दिया था। चाणक्य के ही मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने राजा नंद को पराजित कर मौर्य शासन स्थापित कर दिया। और दोस्तों, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चाणक्य की नीतियों की वजह से ही मौर्य साम्राज्य भारतवर्ष का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। दोस्तों, राजा नंद को पराजित करने के पीछे भी एक कहानी है। चाणक्य को एक बार मगध में किसी यज्ञ के आयोजन में बुलाया गया, जहां राजा नंद और चाणक्य के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए। इसी वजह से राजा नंद ने चाणक्य को बहुत अपमानित करके वहां से निकलवा दिया। दोस्तों, उसी बात से क्रोधित होकर चाणक्य ने भरी सभा में नंद वंश से बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने राजा नंद से कहा कि एक व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर बैठता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई भी ऊंचा नहीं हो जाता। अपनी इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा देकर सम्राट की गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि चंद्रगुप्त में एक राजा बनने के सभी गुण मौजूद थे। आचार्य चाणक्य ने अपनी कुटिल नीतियों से ही सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोककर वापस जाने पर मजबूर किया था। उन्होंने सिकंदर से लड़ने के लिए भारत के सभी राज्यों को एकजुट किया हुआ था। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि चाणक्य ने युवा लड़कियों की एक सेना भी बनाई थी। उस सेना का नाम था विष्कन्या। चाणक्य इन लड़कियों का इस्तेमाल अपने शत्रु को मारने के लिए किया करते थे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर मिलाते थे, ताकि दुश्मन के जहरीले हमलों का उन पर कोई असर न हो। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी रानी के साथ भोजन साझा कर लिया, जो उस समय 9 महीने की गर्भवती थी। लेकिन भोजन में जहर होने के कारण रानी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद चाणक्य ने उनका पेट काटकर बच्चे को बचा लिया। इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। दोस्तों, ये आज हमारी बदकिस्मती ही है कि आचार्य चाणक्य की बात तो हर कोई करता है, लेकिन उनकी शिक्षा का कोई अनुसरण नहीं करता। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।